नजमत के बाद वो उन्होंने दाखिला ले लिया था। क्योंकि यूनानी मेडिकल एसोसिएशन का आभार आपने ही किया जो आज भी चल रहा है। आपके कारण में बहुत से ही आपने बच्चों की तालीम के लिए मुद्दतिया स्कूल के नाम से स्कूल खोल रखा है। अपाहिज और दिमागी तवाजुन को हुए बच्चों के लिए एक अलग जगह तालीम दी थी। इसके अलावा यतीम खाना भी खोल रखा है। कौम के लिए उन्होंने बहुत से भलाई काम करने का इंतजाम किया है। आप साबिक में 3 सदूर जमहूरिया हिंद के मौलिक खास भी रहे हैं। इसके बाद सैयद हकीम सैयद खलीफतुल्लाह साहब, आप एक मशहूर तबीब भी, उन्हें बाबा एथिक का लखब दिया गया है। उन्होंने यूनानी के लिए सेंट्रल काउंसिल की जानिब से शहर मद्रास में एक शोबा खोला था, जिसमें मरीजों को रिसर्च यानी तहकीक के तौर पर यूनानी अद्वियात के जरिए इलाज किया जाता है, जिसमें मरीजों को सेहत मिलती है। इसके अलावा न्यामत साइंस अकेडमी के नाम से सालाना सेमिनार मनाया जाता है। खलीफतुल्लाह साहब एस के एस हर्बल के नाम से यूनानी दवाएँ फरोख्त की जाती हैं। हकीम खलीफतुल्लाह साहब ने यतीम बच्चों के लिए यतीम खाना खोल रखा है, जिसमें बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। आप भी सदर जमहूरिया के वालिद खास रहेंगे। इसके बाद हकीम अकबर कौसर का जिक्र करना ज़रूरी है। हकीम अकबर कौसर साहब की पैदाइश 10 जुलाई 1954 में शहर वानापाड़ी में हुई। आप वानापाड़ी के अमायदे में शुमार होते हैं। शहर वानापाड़ी में वानापाड़ी डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। आप बोलचाल की तमिल जबान के जरिए यूनानी को तमिल अवाम में मुतारफ कराने की कोशिश की है। लिखा गया है कि उनके पास हर बीमारी की दवा मौजूद है। हकीम अकबर कौसर का कहना है कि अमराज जिगर यानी दियर फेलियर का भी इलाज करती हैं और घुटनों के अमराज का भी। उन्हें कादमी डॉक्टर के नाम से भी प्यार किया जाता है। इसके बाद हकीम सैयद सत्तार साहब का इसे यूनानी के लिए मीडिया के इस्तेमाल में हकीम सैयद सत्तार का जिक्र करना इसलिए में लाजमी है कि उन्होंने मीडिया के जरिए इसे यूनानी को प्रयोग किया और ये साबित कर दिया कि वो आधा सीधी वजह और मुफासिर जीतू नफस का इलाज करते हैं। ये वो बीमारियाँ हैं जिनके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान कर दिया है कि इनका इलाज नहीं हो सकता। उन्होंने ये साबित किया है कि चीज़ें यूनानी में इनका इन अमराज का इलाज किया जाता है और उसको मुकम्मल तौर पर सेहत और शिफा पाती है। पाने वाली अद्वियात दी जाती हैं जिससे मरीज अल्लाह के फजल करम से शिफा पाता है। हकीम सैयद सत्तार साहब के तबी खिदमत के अलावा समाजी सियासी खिदमत का दायरा भी बहुत वसी है और आप हर उसकत इतनी काम के दामे दल में अपने सपने सरपस्ती फरमाते हैं। इसके अलावा मस्कूर बाला हदीम और जदीद अतीबा के और बहुत सारे हुक्मा हैं। हकीम सैयद तीर मदनी साहब, हकीम सैयद मसूद मदनी साहब, हकीम सैयद रुफ़ैल अहमद साहब, हकीम फादर अहमद साहब, हकीम गौस खान साहब, हकीम यावर अली मिर्ज़ा साहब, हकीम हबीबुल्ला साहब, हकीम निज़ामुद्दीन साहब, हकीम अब्दुल जब्बार साहब, हकीम खुर्शीदुन्निसा साहिबा, हकीम अज़हरुन्निसा साहिबा, हकीम अतीक़ा अहमद साहब, हकीम नबी शाह जो दिल्ली जवाखाने के नाम से मशहूर हैं, हकीम शाहजहाँ साहब, हकीम सुलेमान साहब बुखारे वाले के नाम से मशहूर हैं, हकीम इब्राहिम साहब, हकीम सैयद महमूद बुखारी साहब और डॉक्टर इमामुद्दीन साहब,